मूवी की शुरुआत में हम एक औरत सिती और उसकी बेटी लेला को देखते हैं, जो डेड बॉडीज को वॉश करने का काम करती हैं। सिती अपनी बेटी लेला को आज पहली बार एक डेड बॉडी को वॉश करने के लिए अपने साथ लाई थी। लेला जैसे ही लाश के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो ये देखकर बहुत डर जाती है कि लाश के जिस्म पर बहुत से टॉर्चर के निशान थे और इसकी एक आंख भी बहुत जख्मी थी। लेला अपनी मॉम से बोलती है कि ये निशान चाकू से मारने के लगते हैं। सिती बोलती है कि चुप रहो और लाश की सफाई करो। लेला बहुत डरते हुए जब लाश को साफ कर रही होती है तो अचानक ही लाश की आंखें खुल जाती हैं। सीन यहां कट होकर कुछ साल आगे चला जाता है, जहां एक विलेज में मिसेज इडा के ग्रैंडसन की पार्टी चल रही थी। पार्टी में इडा की दोस्त आना, टूटी और टेरी भी आए हुए थे। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन सिती नोटिस करती है कि इडा काफी परेशान लग रही थी। वो इडा से परेशानी की वजह पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। पार्टी से वापस जाते हुए लेला और सिती का बेटा आरिफ भी वहां आ जाता है। सिती उसे बोलती है कि विलेज के चीफ ने तुम्हें रेंटल हाउसेस की रिपेयर करने के लिए बुलाया था। लेला आरिफ को बोलती है कि तुम्हें कोई अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए। तभी आरिफ की फ्रेंड रिका वहां आ जाती है और आरिफ उससे बातें करने लगता है। रात में सिती जब नमाज पढ़ रही थी तो उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और एक भयानक भूत उसके पीछे आ जाता है। सिती बहुत डर जाती है क्योंकि उसके कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा हो रहा था। अचानक ही लेला आकर सिती को डरा देती है। वो अपनी मॉम से बोलती है कि मैं मेकअप सीखना चाहती हूँ। सिती बोलती है कि नहीं, तुम बस मेरे साथ जाया करोगी। ये सुनकर लेला नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रात में जब सिती पार्टी से लाया हुआ खाना खोलती है तो उसमें बहुत सी सोंडियाँ पड़ चुकी थी। वो बहुत परेशान हो जाती है और लेला को घर के सब दरवाजे बंद करने का बोलती है। लेला सिती से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। सिती कुछ जवाब नहीं देती और जैसे ही घर से बाहर जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि इडा की मौत हो गई है। वो इडा के घर जाती है और देखती है कि इडा की मौत बहुत खौफनाक तरीके से हुई थी। सिती कहती है कि इडा की बॉडी को मैं खुद ढोऊंगी। घर में लेला को छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो अचानक छत टूट जाती है और उसके नीचे से पानी गिरने लगता है। इधर जब सिती घर वापस आ रही होती है तो घर के पास आकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर अरीफ और लेला उसे उठाकर घर के अंदर ले आते हैं। रात को लेला देखती है कि उसकी माँ किसी चीज को आग लगाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी माँ से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। सिती उसे आग लगाने के लिए कहती है और इडा के खून से भरे कपड़े निकालकर आग में फेंक देती है। लेला पूछती है कि आखिर इडा के साथ क्या हुआ था। सिती उसे चुप रहने के लिए कहती है और बताती है कि जब लाश को नहलाते हैं तो उसकी सारी चीजें जला दी जाती हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रूम में जाते हुए जब वो मिरर में देखती है तो अपने रिफ्लेक्शन में एक खौफनाक भूत देखकर बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद जब लेला सिती के रूम में आती है तो सिती पूछती है कि क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन लेला कोई जवाब नहीं देती। वो जैसे ही पीछे देखती है तो बहुत डर जाती है क्योंकि रूम में उस वक्त कोई नहीं था। तभी लेला रूम में आ जाती है और सिती के पास लेट जाती है। अपनी माँ को परेशान देखकर सिती उसे हौसला देती है। फिर वे दोनों सो जाती हैं। रात में सिती को एक खौफनाक साया नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। अचानक वही साया सिती का गला दबाकर उसे मार देता है। सुबह जब लेला की आंख खुलती है तो अपनी माँ की लाश देखकर चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर अरीफ भी वहां आ जाता है। दोनों अपनी माँ की मौत पर बहुत रोते हैं। अब सिती की बॉडी को धोने का काम लेला को ही करना पड़ता है। बॉडी धोते हुए वो देखती है कि उसकी माँ की आंखें बार बार खुल रही थी। वो अपनी माँ की लाश से कहती है कि अपनी मौत को स्वीकार करो और मुझे धोने दो। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करती है और ऐसा महसूस करती है कि उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर कह रही है कि डेड बॉडी धोना एक नोबल काम है। लेला जब अपनी माँ की डेड बॉडी धोते हुए देखती है कि उसके मुंह में एक नोकदार वाय का टुकड़ा था। लेला ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर गांव के लोग सिती को दफनाते हैं। रात में लेला अपनी माँ के बिस्तर पर ही सो जाती है, जो अभी तक खून से भरा हुआ था। हालांकि रीति रिवाज के अनुसार मरने वाले इंसान के कब्रों को आग लगाकर जला देना चाहिए। बाद में सिती की बाकी दोस्त लेला से पूछती हैं कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई। लेला उन्हें कुछ नहीं बताती और चुप रहती है। सुबह ये तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं, तो टेरी कहती है कि मुझे लगता है कि सिती और इडा की मौत किसी शाप का नतीजा है। इडा और सिती हमारी भी दोस्त थी और हो सकता है कि अब मरने की बारी हम में से किसी की हो। आना कहती है कि तुम फिजूल बातें कर रही हो। अचानक ही टेरी का हाथ कट जाता है और उसका खून इन सब दोस्तों की फोटो पर गिरता है। रात में जब सब लोग इडा और सिती के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो लेला को इडा और सिती का भूत नजर आता है, साथ ही उसे आना का भूत भी नजर आता है। ये देखकर लेला बहुत डर जाती है क्योंकि आना तो अभी जिंदा थी और सबके साथ प्रेयर कर रही थी।
घर आकर लेला को अपनी माँ का भूत प्रिय करते हुए नजर आता है। वो जब उसके करीब जाती है तो अचानक ही वो गायब हो जाता है। तभी उसके पैर में एक कांटे वाली वायर चुभ जाती है। लेला जब वायर निकालती है तो अचानक ही उसकी माँ का भूत उसके पीछे आ जाता है। दूसरी तरफ आना घर में अपने बेटे से बात कर रही होती है तो उसे रूम में एक साया नजर आता है। वो बहुत डर जाती है और चेक करने के लिए एक अलमारी में देखती है तो एक भूतिया हाथ उसे पकड़ लेता है। आना चिल्लाने लगती है। उसका बेटा आवाज सुनकर जब वहां आता है तो देखता है कि उसकी माँ को किसी दैत्य ने पॉजेस कर लिया है और उसके मुंह से खून बह रहा था। वो तुरंत अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाने लगता है तो उसे आना की लाश मिलती है। शाम को गांव का चीफ लेला को बुलाने उसके घर आता है ताकि वो आना की लाश को धो सके। वो अरीफ से लेला को बाहर लाने को कहता है। अरीफ लेला से कहता है कि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अलावा लाश को कोई और धो नहीं सकता। लेला उसे कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अरीफ कहता है कि अभी कल ही तुमने हमारी माँ की लाश अकेले ही धोई थी। लेला कहती है कि तुम नहीं समझोगे और दरवाजा बंद कर देती है। गांव में हर कोई इन अचानक मौतों की वजह से परेशान था। पुलिस ऑफिसर राजद गांव के चीफ से पूछता है कि यह इस क्षेत्र में हुई तीसरी मौत है और मरने वालों की हालत देखकर लगता है कि उन्हें किसी ने बेहद दर्दनाक तरीके से मारा है। फिर भी कोई इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इसका क्या कारण है? चीफ के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। घर में सोते हुए अचानक ही आना का भूत लेला के सामने आ जाता है। वो बहुत डर जाती है और कमरे से बाहर भागती है तो अरीफ भी वहाँ आ जाता है। लेला को डरा हुआ देखकर वो पूछता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? जब से माँ की मौत हुई है तुम अजीब हरकतें करने लगी हो। लेला पूछती है कि आना की मौत कैसे हुई थी। अरीफ कहता है कि आना ने भी मरने से पहले हमारी माँ की तरह खून की उल्टी की थी। इसके बाद वह मर गई और उसे भी बहुत दर्दनाक तरीके से मारा गया। ये सुनकर लेला आना की लाश धोने के लिए राजी हो जाती है और अपना सामान लेकर घर से जाते हुए अरीफ को सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखने को कहती है। आना के घर पहुंचकर जब वह उसकी लाश को साफ करने लगती है तो सबसे पहले उसका मुंह चेक करती है, लेकिन लेला को उसके मुंह में कुछ नहीं मिलता। फिर जब लेला उसकी बॉडी धोने लगती है तो अचानक ही आना उठ जाती है। ये देखकर लेला बहुत डर जाती है। आना अपनी पीठ पर हाथ मारती है जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। लेला जब उसकी पीठ चेक करती है तो अंदर से कांटेदार वायर निकालती है। वो बहुत डरते हुए आना को लेटाती है और उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करती है। अचानक ही आना की डेड बॉडी लेला का हाथ पकड़कर उसे मदद करने के लिए कहती है। लेला बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। अगली सुबह बेमो लेला को बताता है कि मेरी माँ मरने से पहले बार बार नूर का नाम ले रही थी। इसके बाद वह लेला को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें एक लड़की नूर भी थी। लेला पूछती है कि नूर अब कहाँ है। बेमो बोलता है कि नूर बचपन में ही यह गांव छोड़कर चली गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की मौत का नूर से कोई कनेक्शन जरूर है। रात को लेला कब्रिस्तान जाकर जब एडा की लाश चेक करती है तो उसे वहाँ भी कांटों वाली वायर मिलती है। वो बहुत आराम से वायर निकाल रही थी कि अचानक ही वहाँ बहुत से भूत आ जाते हैं और लेला पर हमला कर देते हैं। लेला बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह लेला एडा के घर जाकर टोटी से नूर के बारे में पूछती है। टोटी बताती है कि नूर एक बहुत बुरी औरत थी, उसने तुम्हारी फैमिली समेत बहुत से घर बर्बाद किए थे। टोटी अभी यह सब बता ही रही थी कि अचानक ही अपना मुंह नोचते हुए चीखने लगती है। लेला बहुत डरते हुए जब उसे संभालती है तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। लेला मुड़कर देखती है तो ये टोटी थी। वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि जिससे वो अभी बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि नूर का भूत था। लेला बहुत परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि अरिफ को पता चल गया था कि एडा की कब्र कल रात लेला ने खो दी थी। वो लेला पर गुस्सा होता है जिस पर लेला उसे कांटों वाली वायर दिखाती है और बोलती है कि इन तीनों की मौत एक ही तरह से हुई थी और सबके शरीर से यही वायर निकली थी। इन तीनों का एक साथ मरना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। बाहर खड़ी टेरी यह सब सुन लेती है और गांव के लोगों को बता देती है कि इन सब की मौत एक कस की वजह से हुई थी। गांव के लोग बहुत खौफजदा हो जाते हैं। रात को लेला पुलिस अधिकारी से नूर के बारे में पूछती है। वो बताता है कि नूर मर चुकी है लेकिन उसकी एक बेटी थी जो अब शायद लेला की उम्र की होगी। काफी साल पहले नूर का पति मर गया था जिसके बाद उसने भी सुसाइड कर लिया था। लेला पूछती है कि नूर की बेटी अब कहाँ है। अफसर बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और वहाँ से चला जाता है। अंदर आकर लेला देखती है कि टेरी को नूर की आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है। नूर की आत्मा लेला को बताती है कि ये सब लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने उनकी फैमिली को बर्बाद किया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेला बोलती है मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है।
ये सुनकर नूर की आत्मा बहुत गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन लेला उसे धक्का देकर पीछे हटाती है और बोलती है, तुम यहाँ से चली जाओ। थोड़ी ही देर बाद नूर का भूत तेरी के शरीर से निकल जाता है। लेला इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुकी थी। रात को सोते हुए एक खौफनाक साया लेला का गला दबाकर उसे मार देता है। लोग उसका जनाजा पढ़कर उसे दफना देते हैं, मगर कब्र के अंदर वो जिंदा हो जाती है। लेला बहुत डर जाती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो ख्वाब से जाग जाती है। इसके बाद लेला चुपचाप रिका के घर जाती है तो उसे फर्श के नीचे से कुछ फोटो मिलती है। फोटो देखकर उसे पता चलता है कि रिका नूर की बेटी है। अब तो उसे यकीन हो जाता है कि नूर का इन सब की मौत से कोई सीधा संबंध है। दूसरी तरफ एक बहुत खतरनाक भूत टोटी को भी मार देता है। यहाँ लेला तेरी से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ वो प्रार्थना कर रही होती है। लेला उसे बताती है कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे नूर है और मैं ये जान चुकी हूँ। तभी तेरी के अंदर नूर का भूत आ जाता है जो उसे बताता है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। फिर वो धीरे धीरे सारी बातें लेला को बताता है कि किस तरह उन्होंने मिलकर मुझ पर उनके पतियों को परेशान करने का इल्जाम लगाया था। ये सब सुनकर लेला बहुत परेशान हो जाती है। इसी परेशानी में जब लेला तोटी की बॉडी को धोने उसके घर जाती है तो देखती है कि एक कांटेदार तार तोटी की आंख के अंदर थी। लेला जब वो तार निकालने लगती है तो अचानक ही तोटी उठ जाती है और उसके मुंह से तार बाहर आने लगती है। अचानक ही इन सभी मरे हुए लोगों के भूत वहां आ जाते हैं और लेला को मदद करने के लिए कहते हैं। लेला ये देखकर बहुत डर जाती है। इसी दौरान रजत वहां आ जाता है और लेला से दरवाजा खोलने को कहता है। जैसे ही रजत दरवाजा खोलकर अंदर आता है वो देखता है कि लेला बेहोश हो चुकी थी। वो लेला को होश में लाता है और कहता है, मुझे सच बताओ ये सब कौन कर रहा है। लेला उसे बताती है कि ये सब रिका कर रही है। वो सबको बताती है कि रिका नूर की बेटी है। लेला रिका से पूछती है, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें मार दिया। रिका लेला को चुप रहने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद कई औरतें भूतों के कब्जे में आकर बेहोश हो जाती हैं और बाकी औरतें रिका को पकड़कर बुरी तरह से मारना शुरू कर देती हैं। रिका कहती है, तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ भी यही किया था और हो सकता है कि ये सब उसी श्राप की वजह से हो रहा है। मेरी माँ बेगुनाह थी और मैंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। इसी दौरान स्टी का भूत लेला से कहता है, ये सब रोक दो। लेला सभी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और उल्टा उसे भी मारने लगते हैं। इसी दौरान आरिफ भी वहां आकर सभी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके सिर पर डंडा लग जाता है और वो मर जाता है। लेला अपने भाई और रिका की मौत पर बहुत रोती है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर दृश्य कुछ महीनों आगे बढ़ता है जहां लेला एक औरत की लाश को धो रही होती है। उसी लाश के शरीर से लेला को एक पिन मिलती है। यहां हमें पता चलता है कि अब रिका ने भूत बनकर उन सभी से अपनी मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने उसे मारा था और यही मूवी खत्म हो जाती है।